गाइस, हैप्पी चॉकलेट डे। तो गाइस, पूरा दिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि ये घर पे ही रहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको क्या सरप्राइज दूँ। अभी ये बाहर गए हुए हैं तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि क्या करूँ। आज चॉकलेट डे है तो उनको चॉकलेट का सरप्राइज कैसे दूँ, मैं क्या दूँ, समझ नहीं आ रहा क्या सरप्राइज दूँ। तो चलिए पहले बाहर चलते हूँ, कुछ सामान लेके आते हैं और चॉकलेट्स वगैरह लेके आते हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना कुछ हार्ट शेप की चॉकलेट से बना दूँगी और फिर उसके बाद ना उसके ऊपर ये कंफर्टर डाल दूँगी और जब वो आएंगे ना, खोलेंगे ना, तो देखेंगे ओह माय गॉड, चॉकलेट 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 चॉकलेट, खुश हो जाएंगे। तो चलते हैं हम मार्केट चॉकलेट्स लेने और कुछ काम सामान लेने। चलिए तब, वरना अभी अभी है नहीं घर पे, फिर ये आ जाएंगे। चलते हैं, फॉलो मी। मम्मी जी, मैं ना अभी बाहर जा रही हूँ क्योंकि ना अभी है नहीं, तो मैं चॉकलेट लेने जा रही हूँ। ठीक है, है खाना बनाने मैं आ रही हूँ, फिर बना देंगे साथ में। ठीक, अभी तो मैं चॉकलेट ले आती हूँ, टॉफी लेती आती हूँ, बेड में पूरा सजा देंगे। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, इधर ना आ जाएंगे फिर। ठीक, चलते हैं हम बाहर से चॉकलेट वॉकलेट ले आते हैं, फिर वरना ये आ जाएंगे, फिर नहीं जा पाऊंगी मैं और फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो चलते हैं। अरे क्या तू ये डेली फोन में ट्रेडिंग करता रहता है? अरे मैं बिनोमो पे ट्रेडिंग करता हूँ और उससे मैं अपने डेली के खर्चे बड़े आसानी से निकाल लेता हूँ। तो मुझे बताना, मैं भी अपने डेली खर्चे आसानी से निकाल लूँ। ठीक है, मैं यूज करता हूँ बिनोमो। बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है और इसके 2 मिलियन से भी ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं इंडिया के अंदर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। तुम्हें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें साइन अप करना होता है। जैसे कि देखो, मैंने फेसबुक से साइन अप कर लिया है। अब सबसे पहले हमें ऐसा सिलेक्ट करना होता है, ऐसा सिलेक्ट करने के बाद जितना भी तुझे अमाउंट लगे वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि देख, मैंने 350 रुपये सिलेक्ट कर लिया है। और अब हमें ग्राफ को प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और ये बहुत देर से काफी टाइम से ऊपर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे अप पे प्रेडिक्ट कर लिया है। अब देख, 15 मिनट तक वेट करेंगे हम, और वाओ, मैं यहाँ 650 रुपये जीत चुका हूँ। और यहाँ पर तुम 350 रुपये से डिपोजिट कर सकते हो, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगी तो तुम्हें मिलेंगे 350 के डबल, यानी 700 रुपये। और यहाँ पर एक एजुकेशन का ऑप्शन भी है, यहाँ पर तुम सीख सकते हो प्रोफेशनली और एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकती हो। और यहाँ पर तुम पता लगा सकती हो कि तुम्हारी एसेट की वैल्यू अप जाएगी या डाउन। अच्छा? हाँ, और इसमें तुम अपनी जीती हुई अमाउंट को इजीली विड्रॉल कर सकती हो पेटीएम या यूपीआई के थ्रू। तो देर किस बात की है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से डाउनलोड करो। और 65,000 मिलेंगे आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो बहुत सही ऐप है यार। समझ गए ना, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी ऐप के बारे में बताया। अभी डाउनलोड करती हूँ। तो हम चलते हैं। मैंने उनसे बोला कि मैंने आपको इतने दिन सरप्राइज दिया, आज मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कह रहे चॉकलेट तो देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चॉकलेट तो देनी पड़ेगी, पर देना है तो अच्छे से दो ना, थोड़ा सरप्राइज के टाइप में, कि हाँ उनको भी फील हो। तो चलते हैं, देखते हैं चॉकलेट कौन सी लेते हैं। और खैर वो भी पैदल गए हुए तो ऐसा लग रहा कि रास्ते में मिल ना जाए, तो चलते हैं देखते हैं। आए आप चॉकलेट ले रहे हैं, हाँ मिल जानी चाहिए। तो गाइस, मैंने चॉकलेट अभी ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ी लिए, मेरे को पैकेट यहाँ मिला नहीं, गली में देखती हूँ वहाँ मिल सकता है। और फूल ले लिए हैं। मैं सोचती थी कि चॉकलेट और फूल के साथ उसमें पंखे पे रखूँगी तो चॉकलेट और फूल साथ में गिरेंगे, अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी चलते, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, जल्दी चलते। थोड़ी चॉकलेट्स ले लेते हैं और टॉफी ले लेते हैं और फिर उसके बाद सरप्राइज। चलिए, तो मैंने चॉकलेट ले ली है। अब बस ये सोच रही हूँ कि घर में कहीं आ नहीं गए हो, अगर ये घर पे आ गए होंगे ना तो सारा पोपट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बस चलिए चलते। बारिश वैसे तो अच्छी लगती है, पर बारिश में जब ये कीच पीच हो जाती ना, जब कीच पीच होती ना, मेरे को बड़ा गंदा लगता है सच्ची में। बारिश में वैसे भीगने में अच्छा लगता, पर गलियाँ बड़ी गंदी हो जाती हैं। अच्छा ये सब तुम बताइए कमेंट करके, बारिश अच्छी लगती है पर गलियाँ जो बारिश में गीली हो जाती है, किस किस को अच्छी नहीं लगती? मेरे को तो बड़ा गंदा लगता है, मतलब अच्छा ही लगता है एकदम किचपी। तो ये सब बातें छोड़ते हैं, हम जल्दी से जाते हैं घर और जल्दी से जो करना है जल्दी से करते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी जल्दी फूल तोड़ लेते हैं क्योंकि जल्दी से आने वाले हैं, हमें करना भी थोड़ा डेकोरेट, जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हैं।
ओके आ जाओ। हाँ हो जाएंगे अब चढ़ जाओगे तो इसमें मेरा साथ मम्मी पापा भी दे रहे हैं। वो रखो पापा जी एक और वो स्टूल लाऊं सोफे वाला नहीं रख पाए ऐसे तो कितना मेहनत। चलो मैं ही चढ़ती हूँ। मैं चढ़ू पापा जी चलो कैसे तुम्हारे मैं चढ़ जाऊँ पापा जी रहन दीजिए मैं चढ़ती हूँ। जय बजरंगबली जय बजरंगबली। पकड़े हैं गिरे नहीं पकड़े हैं। हाँ पकड़े हैं पकड़ो ऊपर पकड़ लो आराम से नहीं उधर कर पकड़े। आज मम्मी को बन गए तीनों नहीं ये इसमें बदल जाएगी तो देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है बताओ है मम्मी जी। हाँ सही बात है और क्या। आराम से। तो गाइस हमने फूल ऊपर लगा दिए हैं पापा जी ने। हम ये ना थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं बेड पे चॉकलेट का थोड़ा हार्ट बना देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए मेरे ऐसे मम्मी पापा सब साथ देते हैं ऐसे कामों में अच्छा लगता है ना। हाँ अच्छा लगता है। ये आइडिया मम्मी ने दिया था मम्मी जी ने कुछ फूल ऐसे रख देना और वो कर देना चॉकलेट वगैरह। मम्मी आप ही फिर क्या करो ना पापा जी के लिए। अब क्या बुढ़ापे पे करेंगे। पहले ये चलते ही नहीं थे अब ये चलने लगे तो होने लगे काम। पहले होते नहीं थे ऐसे इसलिए। तो गाइस हमने कर लिया है डेकोरेटर तो आपको दिखाते हैं हम। और आई होप कि अंकुश को अच्छा लगे। मैंने यहाँ छोटा मोटा किया है जैसा हो सका है हम सबसे। बस अब उनका आने का वेट कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ जल्दी से देखे। तो मैंने और मम्मी और पापा ने कर दिए हैं हैवी। पापा जी ऊपर चढ़े मेरे को डर लग रहा है गिर ना जाए पापा जी। बच्चों के लिए नहीं हम लोगों को क्या मतलब उनको बुढ़ापा आ गया है क्या। अरे अभी का पहले जानते भी नहीं थे अब नए नए वो आ रहे ना इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं मम्मी सारे दिन सबके होते हैं। आप ही मनाए करो पापा जी के लिए। सुबह मना तो लिया सुबह मना लिया हम लोगों ने बच्चों के दिन। हाँ मम्मी जी और पापा जी ने एक दूसरे को चॉकलेट दी सुबह वो आप अंकुश के ब्लॉग में देखना। हाँ। और हमने ये निकाल दी चॉकलेट और फूल। अब वो जैसे ही गेट में एंटर करेंगे उनको एक एक करके देंगे। हाँ। एक एक करके देके रूम में लाएंगे और फिर रूम में फैन ऑन करेंगे और चॉकलेट देंगे। बस थोड़ी देर की खुशी होती है पर ये अच्छी लगती है खुशी क्योंकि जैसे मैं सोचती ना कि मेरे को ये सब सरप्राइज मिले वो भी सोचते होंगे ना। हाँ, कि मेरे को मिले देना भी चाहिए। हाँ। हाँ। तुम वो तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम भी उसके लिए करो। सही बात है कि एक हाथ से कभी पर ये होता है ना कि लड़की को देते रहो लड़की या कुछ नहीं करती लड़कों के लिए। नहीं लड़कियों को भी देने चाहिए हस्बैंड को। ऐसा नहीं मैं अगर ले रही हूँ उनसे तो उनके लिए भी मुझे डबल करना चाहिए कि उनको भी अच्छा लगे। अच्छा लगता है सही बात है। और आज से कोई भी ये नहीं कहेगा कि सिर्फ लड़के ही करते हैं लड़कियाँ भी करती हैं। लड़कियाँ भी करती हैं ना सही बात है दोनों को करना चाहिए। अब वो बात लगे कि पैसा हो नहीं गया है। पैसा कहाँ से आएगा पैसा तो आदमी का होता ही है। ओह माय गॉड Oh my God!
मैं ले रहा दस रुपए वाले चौदह लाए यार मैं ले प्यार से पिट्टी उठा के देते वही ले लू थैंक यू हैप्पी चॉकलेट डे इतना खर्चा कर रही हो बहुत खर्चा ओ माय गॉड फूल भी साथ देना होता है क्या साथ में थैंक यू और देव ओ माय गॉड इधर आओ लाइट इधर आ रही है जाओ जैसे जैसे बुला रही वैसे वैसे जाओ ओ माय गॉड अरे यार ते खाएगा कौन ओ खर्चा ओ अरे इतना पैसा आ कहाँ से रहा हैप्पी चॉकलेट डे फिर से टॉपी गिरेगी लग ये इतना खर्चा करते क्यों है लोग अरे थैंक यू हैप्पी चॉकलेट डे इतना खा थोड़ी पाऊंगा मैं एक के लिए आती मैं उतना घुसता चॉकलेट दो फिर दे दो ये तो सुबह वाली है ये तो सुबह ये तो भाई टूटी हुई है एक हो सकती है या मैं दिल्ली बनाई कितने गंदे है ना मार्केट कौन गया था मार्केट मैं गई थी 200 रुपए की चॉकलेट ले आई इतनी खाएगा कौन ये 100 रुपए वाली है इतनी बड़ी कितने गंदे मेरी फीलिंग नहीं देख रहे हो आप रुपए देख रहे हो हैं ऐसी फीलिंग को डाल दो अपने दिल में थैंक यू बहुत अच्छा लगा बाबू आप मेरी फीलिंग नहीं देखा ना आपने मेरी फीलिंग ये कहना चाह रही है कि मैंने बड़ी दी है तुम भी बड़ी तो है नहीं आप मेरी फीलिंग नहीं देख रहे हो ना मतलब मैंने इतने अच्छे से किया मतलब सब कुछ और आपको चॉकलेट की वो है कि हाँ चॉकलेट इतने रुपए लग गई है वो है अभी चॉकलेट जाना पापा से मंगाए पैसे नहीं तो कहाँ से आए आपके थे ना आपने अकाउंट में डाले मेरे पर्स से चुरा रही हैं अकाउंट में डाले थे मेरे पर्स से पैसे चुरा के मेरे कोई तोहफा दिया जा रहा है तो मैं कहाँ से लेके आऊंगी हैप्पी चॉकलेट हैप्पी चॉकलेट डे और पता है आपको इस बार ऊपर किसने रखा पापा ने कैसे पता ऐसी पापा जी चढ़ रहे मेरे को डर लगा कि गिर ना जाए पापा जी थैंक यू 70 टॉफियां ये 100 ये सुबह ये सुबह वाली है 120 130 140 हाय दया 600 रुपए का बजट इतने सारे फूल 140 ये 70 ये 210 रुपए की तो टॉफी ही है ठीक है 300-400 रुपए की वाट आई एम वेरी हैप्पी बाबू आई एम वेरी हैप्पी ये क्या था रुपए कितने हो ओह माय गॉड तुमने इतने सारी चॉकलेट दी मेरे को अगली बार से ना मैं रुपए रख दूंगी रुपए खाते रहना तुम देख लो आप नहीं आप रुपए गिन लो दिल मेरी ना सुने मैं दिल की ना सुनूं नहीं कितने गंदे उस पे गिन रहे हो रुपए है ना आप रुपए गिन लो जाओ आ मुझे रोना आ रहा पैसे आ गया कौन कट रहे हैं रुपए अब कट रहे पैसे मैसेज आया पैसे 50 रुपए कट गए आपने टॉफी खरीदी थी थैंक यू बाबू आई लव थैंक यू पापा जी आपने इतनी मेहनत करी थैंक यू फूल आपने तो इतना फूल और चॉकलेट तो गाइस कैसा लगा आप सबको मेरा सरप्राइज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को और आगे भी सरप्राइज हम देते रहेंगे तो लव यू ऑल